स्वामी जी, क्योंकि हमेशा आप कहते हैं कि जो लाइफस्टाइल है उसे ठीक रखो, पोस्चर को सही रखो, और अमेरिका से जो स्टडीज़ आई है उसके मुताबिक भी कहा जा रहा है कि अगर पोस्चर ठीक नहीं है और आप स्मोकिंग छोड़ दें तो बॉडी वेट के हिसाब से रखें उसे और फिज़िकल एक्टिविटी करें तो 40% मामले तो तुरंत ही ख़त्म हो जाते हैं, और आज एक बार फिर उनको भी जगाने की ज़रूरत है स्वामी जी। हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा। WHO कहता है, अभी इस बार तो UN में योग करके आए, अगली बार WHO में योग करेंगे पूरा जी। उनको बताएंगे कि Type 1 डायबिटीज़ भी अच्छी हो सकती है, BP, शुगर, अस्थमा, अर्थराइटिस, जिस पर पूरी दुनिया का लाखों करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हो, दुनिया भर का पैसा खर्च करके जो तुम नहीं पा सके वो योग से पाया जाता है। WHO भी कह रहा है 90-99% लोगों की कमर को बिना ऑपरेशन के अच्छा किया जा सकता है लो, जबकि ऑपरेशन करने पर पैरालिसिस का खतरा रहता है। अब इसके लिए कितने सहज योग हैं ये। अब देखो, मैं तो सीधा गाड़ी से उतरा और योग में पहुंच गया, क्योंकि बीच में थोड़ा जहाज़ रुका था दुबई में, वहाँ शावर ले लिया और अपना नित्य का ध्यान भी कर लिया और शौच स्नान आदि करके और एकदम फिट फॉर, और यहाँ फिर से अपनी सेवा में लग गए। तो ऐसे ही मैं सब लोगों को देखना चाहता हूँ कि 365 दिन आप बिना थके बिना रुके चरैवेति विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ अपना योग और कर्मयोग कर्तव्य पथ पर आप आगे बढ़ते रहें, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, जीवन में विजय पाए, बिना सिर उठाए करना जिनको कमर में ज़्यादा दर्द है, ये अर्ध पवन मुक्तासन दोनों पैरों से, एक एक पैर से। तो देखो, एक तो ये जो मेरुदंड के लिए जो पूरा पैकेज है ना, आज सब याद कर लेंगे, जिनको भी शटिका पेन है, लोमोस्पलाइटिस है, एंक्रोजिंग स्पलाइटिस, स्कोलियोसिस है, बहुत तरह के स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेज हैं, उनके लिए ही आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक एक बात को ध्यान से सुनना। देखो, कमर दर्द के लिए सेतुबंद, और फिर जो कर सके अब और ज़्यादा कर सके तो देखो साक्षी जी की तरह और हैप्पी की जगह की तरह ये तो पूर्ण भुजंगासन, पूर्ण चक्रासन भी कर लेना, नहीं तो अर्ध पवन मुक्तासन, सेतुबंद और कट्युत्तान से ही काम चल जाएगा। ऐसे कमर को ऊपर उठाए, नीचे दबाया। रही बात मोटापा की, जिनको मोटापा और कमर में दर्द है दोनों पैरों से नहीं करना, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये दोनों से नहीं करना, ऐसे 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 एक एक पैर से ही करना, एक एक से करना ऐसे। और एक बात और बता देता हूँ, जो यात्राओं में रहते हैं देश विदेश की, जेट लैग की शिकायत करते हैं, तो मैंने बोला थोड़ा सा नंगे पैर जमीन पर चल लो, शाक सब्जी फल ज़्यादा खा लो, पानी पी लो। ये मेरे साथ ये दीपक लड़का गया था, ये इकलौता था हमारा भी, तो देखो यहाँ 4-5 कैमरामैन हैं, पूरा एडिटिंग टीम है, और वहाँ से तो सीधा एडिटिंग हो रही थी इंडिया TV में, और एक अकेला लड़का कर रहा था, उस वो भी अभी वापस सेवा में आ गया। ऐसा मैं भारत देखना चाहता हूँ, पुरुषार्थ से भरा हुआ, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ। ऐसा हो जाएगा तो फिर भारत अमेरिका से आगे निकल पाएगा। देखो ये तो है। तो ये जो आपने ओबेसिटी की बात की ना, ओबेस के लोगों को बैकिंग ज़्यादा होता है, उसके लिए एक एक पैर से ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, पुरुषार्थ का पुजारी बनना पड़ेगा, पुरुषार्थ को जीवन का स्वभाव बनाना पड़ेगा, और ये होगा, हम सारे देश को पुरुषार्थी बना करके ही दम लेंगे। योगी कर्म योगी बनाना ही है हमें जी, स्वयं को और सबको भी। स्वामी जी, आप तो सबसे बड़े रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछले हफ्ते आप अमेरिका के सफ़र पर थे, और इस दौरे के दौरान आपने कई बार ये बात कही कि 20-20 घंटे काम कर रहा हूँ। स्वामी जी, ये 20-20 घंटे काम करना आप कैसे मैनेज करते थे, क्योंकि इंडिया में अलग टाइम जोन है, आप बिल्कुल ही दूसरे टाइम जोन में चले गए। मतलब अगर यहाँ सुबह हो रही है
तो वहाँ शाम हो रही है, यहाँ शाम हो रही है तो वहाँ सुबह हो रही है। तो स्वामी जी, ये टाइम जोन का ट्रांजिशन सबसे पहले आपने कैसे मैनेज किया, और उस टाइम जोन के ट्रांजिशन में भी 20-20 घंटे आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या किसी तरह की कोई थकान नहीं होती? 12 बजे यहाँ रात का, रात के 12 बजे थे। ये एकदम ठीक कह रही है आप मेरी बहन। और इसको कैसे मैनेज किया, इसके दो सिंपल उदाहरण देता हूँ। एक तो मैंने अपनी बॉडी को और माइंड को ऐसे ट्रेंड किया हुआ है, जैसे मैं हाथ को कहता हूँ ऊपर जा, ऊपर जाता है, नीचे आ, नीचे आ जाता है। ऐसे अपने दिमाग को बोलता हूँ रात हो गई अब सो जा, तो ये सो जाता है। मैं इसको बोलता हूँ अब जाग जा, तो जाग जाता है। जब प्लेन में बैठता हूँ कहता हूँ अब सो जा, तो सो जाता है। तो अपने माइंड को ऐसा ट्रेंड करना चाहिए, क्या बोला, अपने माइंड को ऐसा ट्रेंड करना चाहिए, अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसी करनी चाहिए कि जो आप ऑर्डर दें वैसे आपका दिमाग काम करे। अक्सर लोग क्या कहते हैं, क्या करें मेरा मन तो इधर उधर दौड़ रहा है। ये तेरा मन हुआ कि घर चक्कर है क्या बात है, चंचल मन, मन तेरा और इधर उधर दौड़ रहा है। हाँ, चंचल मन है। अब जैसे हमारी बेटियों ने भी कितना बढ़िया योग किया, एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई इनका। तो देखो, ऐसे अपने तन पर अपने मन पर काबू होना चाहिए। तो ओबेसिटी के लिए भी अभ्यास हमने बता दिए। तो एक तो अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग, अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेंड किया हुआ है, इसको मेडिटेशन की भाषा में कहें तो मैं सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन करते हैं। तो अपने दिमाग को ऐसा ट्रेंड किया हुआ। दूसरा, मैंने शाक सब्जियां और फल, वो होटल में हमसे पूछे जी ब्रेकफास्ट, मैंने कहा फल, लंच फल, डिनर फल। मेरे ये आदमी कैसा है भाई, यहाँ तो लोग जो है एक एक बार में 10-10 तरह का खाना खाते हैं, और उसमें भी पता नहीं क्या आड़ कबाड़ खाते हैं, और ये सुबह भी फल, दोपहर भी फल, शाम को भी फल। तो बोले जी आज तो कुछ चेंज कर लो। मैंने कहा ठीक है, दूध ले आओ। बोले बस इतने से चेंज हो गया। मैंने कहा इतने से ही चेंज हो गया। तो शाक सब्जियां फल और पानी का प्रयोग ज़्यादा। अभी मैं ये जो एमरेट से, तो बड़ी महंगी और लेकिन सर्विस बहुत अच्छी है, तो वहाँ जो एयर हॉस्टेस हैं, बोली जी क्या लेंगे, मैंने कहा फल डिनर में, लंच में, क्योंकि 18 घंटे की फ्लाइट है। मैंने कहा फल, तो मेरी तरफ देख के हंसे, ये कैसा कौन से ग्रह नक्षत्र का आदमी हमारे जहाज में बैठ गया जो फल के अलावा कुछ खा ही नहीं रहा। तो ये हमको थोड़ा चेंज करना पड़ता है। ये जो हमने ये मान लिया ना कि अनाज नहीं खाएंगे तो ताकत नहीं आएगी, मैंने तो 20 साल तक ये प्रयोग किया। तो ऐसे, और फिर देखो, जब किसी कार्य के प्रति ललक होती है ना, उत्साह होता है, किसी कार्य के प्रति जुनून होता है, ये अमेरिकन से मैंने सीखा भी और देखा भी है। अमेरिकन लोग ना किसी भी कार्यों को जुनून से करते हैं, पागलपन, एक दीवानगी के साथ, और वहाँ टाइम एंड टारगेट बेस्ड परफॉर्मेंस वर्किंग है। मैं एक बहुत बड़े फंड में मैं गया, मैंने कहा पिछली बार जिस से मिले थे उससे तो मीटिंग नहीं हो रही। बोले जी ये 5 मंजिल का ऑफिस है, उसको 3rd मंजिल से वहीं से ही उसका लैपटॉप पैक करके और वहीं से घर भेज दिया, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी। तो और जिन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी की है, एक एक आदमी के 50-50, 100-100 करोड़ रुपए के पैकेज, कितने, 50-50, 100-100 करोड़ की सैलरी। तो ये देखो दुनिया से, ये तो हमें अमेरिका से खास करके सीखने की जरूरत है, टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्किंग, और वो भी जुनून के साथ, ऐसा कि दुनिया में आप नंबर 1 पर रहें।